को जब बीजेपी गवर्नमेंट चुनाव में लड़ा तो उसमें प्राइम एजेंडा वही था कि सबका साथ सबका विकास, अंडर डायनेमिक लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय नेता, आज हमारा प्राइम मिनिस्टर है। तो उसमें उसका तहत हम लोग जितना भी जो पब्लिक का साथ सबसे यूज हो सकता है, जो पब्लिक की उसमें गरीब से गरीब लोग यूज हो सकते हैं, वो वाला हम लोग का प्राइम एजेंडा है। तो ये रास्ता भी वैसे ही हमारा चांगलांग के लिए ये लाइफ लाइन है, जो कि आसाम के साथ जुटे हैं। जितना भी रेशन हो, जितना भी मेडिकल केस हो, जितना भी आपका लाइफ लाइन जो हम लोग का चांगलांग के लिए, चांगलांग मार्गेटा रास्ता ही है, जो कि हम इमीडिएट मार्गेटा में हम प्रवेश करते हैं। तो वो हम 2014 का आने के बाद हम बहुत जोरदार करके इसको लगा। उसके बाद जितना उसका काम करने वाले एजेंसी को में बार बार हम मीटिंग करवाया, और जिससे भी फंड को लाना है बोल के हम लोग कोशिश किया, तो ये बना करके ख़त्म हुआ। अभी मैं एनसीसली वेटिंग कर रहा हूँ हमारा सीएम साहब को, ताकि उसका हाथ से हम उसका उद्घाटन कर सकें। जो रास्ता जो 3 घंटा लगता था, आपको भी उसमें कभी दिन सफ़र किया होगा, 3 घंटा लगता था और छोटा गाड़ी बिल्कुल जाने में आने में तकलीफ लगता था, अभी जा करके 1 घंटा में आप आराम से गाड़ी जा सकते हैं। तो इतना डिफरेंस, मतलब इतना हुआ, तो ये आप महसूस कर सकते हैं, सब जनता महसूस कर सकते हैं। अभी मंडे मार्केट जो आते हैं, डेली आते हैं, तो उनके लिए भी आप देखिए इतना सुविधा है कि वो लोग 1 घंटा में आते हैं और 1 घंटा में चले जाते हैं। तो इसी करके अभी जितना भी सामान है, जो भी हम लोग ईटेबल आइटम्स बोलो, जो भी बोलो, काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं, तो वो नीचे जाना पड़ रहा है। तो अब देखिए जो हमारा माताएँ हैं, बहनें हैं, जो कि खास करके आपका डिलीवरी केस में जो को हम लोग को नीचे ले जाना पड़ रहा है, उस समय कितना आप महसूस करके देखिए, वो 1 घंटा में पहुँच जाते हैं, पहले जो 3 घंटा लगता था, और इजीली ट्रीटमेंट उनको आसान में दे सकते हैं। ये सब सुविधाएँ जो है गरीब से गरीब लोग के लिए, और हम आम जनता का हित में हम काम करें। जितना भी हम अभी 4 साल आधा हो गया, मैं जितना भी सरकार जितना अपने